नमस्कार, मैं कविता ठाकुर स्वागत करती हूँ पिलाई 100 न्यूज में। आइए हम नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खास खबरों पर। रामदेव योग समिति ने स्वास्थ्य और निरोग मुक्त राष्ट्र निर्माण का लिया है संकल्प। योगाचार्य अजय कुमार पाठक। आपको बता दें कि आज निशुल्क 3 दिवसीय महिला योग और आयुर्वेदिक शिविर का आयोजन बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में रामदेव योग समिति एवं सोनाचल योग समिति के युक्त तत्वाधान से आयोजित किया गया, जिसमें आज मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानाध्यापिका श्रीमती रीज प्रति ने कहा कि योग गुरु आचार्य अजय कुमार पाठक जी ने सोनभद्र का मान सम्मान बढ़ाया है और कहा कि आजकल के आधुनिक परिवेश में हर व्यक्ति को योग करना बहुत आवश्यक है। नियमित राष्ट्र निर्माण में प्रातः वेला में विद्यार्थी को योग और आयुर्वेदिक का प्रशिक्षण देकर समाज को पूर्ण रूप से स्वास्थ्य बनाने का जो संकल्प लिया है, ये अति सराहनीय है। आचार्य जी ने योग शास्त्र का शुभारम्भ ओम के उच्चारण एवं ईश्वर की आराधना से प्रारंभ किया। 1.5 घंटे के प्रशिक्षण में स्वास्थ्य रहने के लिए विभिन्न अभ्यास कराए गए। वहीं पानी पीने व भोजन उचित तरीकों के बारे में बताया गया। गुनगुना पेयजल करें ग्रहण, भोजन के बाद पानी न पिए। मनुष्य के तापमान के अनुसार गुनगुना पेयजल ही ग्रहण करें। गर्मी आ रही है, फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल न पिए। सुबह खाली पेट 3 गिलास पानी लें। भोजन के बाद तुरंत पानी न ग्रहण करें। भोजन में नमक के साथ दूध न लें। पानी या भोजन बैठकर ग्रहण करें। भोजन के बाद ब्रज आसन में बैठने से पाचन क्रिया ठीक रहती है। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और देखते रहें यूपी लाइव 100 न्यूज़।